सवाल पूछेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे ना आप, हाँ तो करो ना। ये फिल्म हम इस ये सोच से बनाए क्या आजकल के बच्चे अपने बुजुर्ग माँ बाप की सुनते नहीं और अपनी ही मनमानी करते हैं और अपना ऐसा रास्ता डिसाइड करते हैं कि जो खुद को सजा मिलती ही है और जिंदगी भर माँ बाप को भुगतना पड़ता है। शूट के बारे में जानेंगे, कहाँ शूट किया है आपने, स्टार कास्ट क्या क्या दिया है उसके बारे में। ये स्टार कास्ट है, हेमंत बिरजे है, एहसान खान है, रितु पांडे है, सीनियर आर्टिस्ट रमेश गोयल है और ये सनील है। ये बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत मेहनत से काम किया इसने और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्होंने मेहनत से काम किया और ये लवासा में शूट हुआ है, नाला सोपारा में शूट हुआ है, स्वप्न नगरी में शूट हुआ है और जंगल खास करके अपना पनवेल के पास मालडूंगा करके गांव है और वहीं पे ये बहुत जंगल के सीन्स है। ऊपर से टेमोड़ा करके पनवेल तालुके में एक गांव है तो वहीं पे सीन निकाल गए हैं। यही बात है कि जो हम ऐसा कॉम्बिनेशन किया है कि हॉरर भी हो और रोमांस भी हो, जो इस स्टोरी में ऐसी कहानी बताई है कि जो माँ बाप का सुनता है वही बच जाता है और माँ बाप का सुनते नहीं है वो फंस जाते हैं, ऐसी कहानी इसमें है। जो बच जाता है उसकी जिंदगी सफल होती है और हमने ऐसी कोशिश की है दिखाने के लिए। इस फिल्म में 3 गाने हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ही आप लोगों को पसंद आएंगे। एक तो है मजे करेंगे, दूसरा जो गाना है लागे ना जिया और तीसरा जो गाना है सावधान सावधान, जो ये फिल्म से रिलेटेड है। दर्शकों को मैं यही कहूँगा, अभी मेरा काम किया है, मैं बहुत कठिनाई से ये फिल्म पार की है, पूरी की है, फिर आगे का काम आप लोगों का है और दर्शक लोगों का है। जो अभी वो लोग हमको आशीर्वाद देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। रिलीजिंग का डेट है 17 मई। मेरा ऐसा किरदार है करके ये बोल रहे थे ना अभी, 4-5 दोस्त रहते हैं उनमें से वो बच जाता है, वो मम्मी पापा का सुनता है, वो मेरा किरदार है, मैं बच जाता हूँ उसमें। बहुत इंजॉय किया, टेंशन भी होता है बहुत, रात भर जागना पड़ता है, वो सबको बताने का ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम रहता है, वो जनता को बताने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंजॉय करो पब्लिक को बोलता हूँ मैं। वो रास्ता टेंशन लेने का, हम लोग टेंशन ले लेंगे, आपको हंसाते रहेंगे, आप एंजॉय कीजिए। एक्सपीरियंस का मैं बोलूँ, मैंने सोचा नहीं था उसको, हाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने सोचा नहीं था करके मुझको इतना बड़ा मौका मिलेगा और यही सोचता हूँ कि आगे भी मुझे मौका मिलता रहे, ऐसे अच्छे काम करता रहूँ। थैंक यू। नर्वस फील कर रहा हूँ कि लोग क्या सोचते हैं करके, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, यही सोचता हूँ कि आशीर्वाद दे हमको बस। थैंक यू सर। मुझे यकीन है आप लोग बोर नहीं होंगे और आपको लगेगा कि कुछ नया देखने को मिला है। yes. जिसके प्रोड्यूसर साहब हैं मिस्टर नीलकंठ गायकवाड़ जी, उन्होंने बहुत मेहनत से परिश्रम से इस फिल्म को कंप्लीट किया है और उनकी ईमानदारी इस फिल्म में दिखती है कि किसी पिक्चर को इस मुकाम तक पहुँचाना एक ज़िद्दी प्रोड्यूसर ही कर सकता है और उन्होंने एक जो सारी क्रू मेंबर्स थे उसको सही से यूनाइट करके उन्होंने इस फिल्म को कंप्लीट किया और मैं उनको हैट्स ऑफ करता हूं। नहीं सर, फिल्म आपने कंप्लीट की, आप बैठ रहे हैं। प्रोड्यूसर के बिना सब अधूरा है। ठीक है, डायरेक्टर आपने कंप्लीट तो मैं लोगों
आपको यही बोलना चाहूँगा कि इस फिल्म में आपको कुछ नया देखने मिलेगा, उसमें एक्टर हैं मिस्टर गोयल जी, और गोयल जी अभी कुछ बताएंगे इस फिल्म के बारे में। सीनियर आर्टिस्ट और नए की कॉम्बिनेशन आपने बनाया है, एक्चुअली सीनियर्स, आपने सही कहा, सीनियर्स जो होते हैं उन्हें आप थीम समझा तो वो उसमें जाके उसको अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, बट नए लोगों को थोड़ा सिखाना तो पड़ता है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको भी आजकल के नए ट्रेंड में आपको पता ही है उनका आईक्यू लेवल थोड़ा अच्छा होता है, और उन्होंने चीज़ों को समझा, जो एक बार ब्रीफ करो अच्छे से उन्होंने किया है, जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। एक्चुअली इस फिल्म का जो थीम है वो एक ही लाइन है कि लालच बहुत बुरी बात है, लालच किसी को नहीं करनी चाहिए, अपने मेहनत पे भरोसा रखो और आगे बढ़ो, अपने मंजिल तक पहुंचो। क्या बात है, सावधान करके आए हो? देखिए जी, मेरे डायरेक्टर हैं मिस्टर संदीप मिश्रा और मेरा नाम रमेश गोयल है। मैं बहुत साल से इस लाइन में काम कर रहा हूं और ज़्यादातर फिल्में मेरी रिलीज हो चुकी हैं। अभी नई फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है सावधान, एक अद्भुत कहानी। अब सब लोग सावधान हो जाइए, ये कहानी बड़ी अद्भुत है, आपको बहुत मजा आएगा देखने में। और डायरेक्टर हमारे साथ बता चुके हैं संदीप मिश्रा जी, बाकी प्रोड्यूसर साहब का तो मैं फैन हो गया वाकई। ये पिक्चर जो है मतलब बिल्कुल डेड थी, मरी हुई थी एक तरह से, और उन्होंने डेयरिंग करके इस पिक्चर को जिंदा किया, मिश्रा जी को डायरेक्शन दिया और फिल्म कंप्लीट हुई। ये फिल्म पहले बंद हो चुकी थी, उसमें मैं था और ये नई में भी नहीं था, दो पिक्चरों को बना के एक पिक्चर बनाई गई है और बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। आप सब लोग देखेंगे, पब्लिक देखेगी, बहुत मजा आएगा, और सावधान हो जाइए इस फिल्म को देखने के लिए। फिल्म में बहुत कुछ है, आपको आनंद आएगा, मजा आएगा और आप अप्रिशिएट करेंगे। ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं। जैसे बताया ना, वैसे मैंने सब अच्छे से, एक ही सीन है मेरा एक्चुअली इसमें, वो मैंने किया है रिपोर्टर का है, और मैं अभी यहाँ पर तक पहुँची हूँ, ये मेरे सिर्फ पापा की वजह से। वेरी गुड, वेरी गुड, गॉड ब्लेस। आइए खान साहब, भाई खान साहब, अरे फोन बताएगा, आप बताइए। भैया मैं तो पुलिस ऑफिसर का रोल नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ, अपना किरदार बता देता हूँ। भाई ये फिल्म का नाम जो है सावधान, एक अद्भुत कहानी है। मैं इसमें कॉप का रोल कर रहा हूँ जो बहुत ही ऑनेस्ट है, सस्पेंस थ्रिलर है, बहुत सारे मर्डर होते हैं जिसको मैं देखता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ। और इस फिल्म के हमारे बहुत ही मेन इंस्पेक्टर जो अकेला का है, हाँ, उसमें हमारे दोस्त नन्हे बाबा पूरी फिल्म को संभाले हुए हैं, yes. और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और आपको लगेगा कि इंडस्ट्री में एक और एक्टर आया है, yes. और जिस पर विश्वास करेंगे आप लोग, और मालिक ने चाहा तो बहुत आगे जाएंगे ये, और फिल्म बहुत खूबसूरत बनी है। सर भी हमारे सीनियर हैं, साथ में उन्होंने काम किया है, संदीप भाई हमारे डायरेक्टर, बहुत अच्छा डायरेक्ट किया इन्होंने, मैं तो इनका फ़ैन हो गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका डायरेक्शन, और मैं चाहूँगा इनकी हर फिल्म में मैं रहूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। काफ़ी मेहनत की है, लगभग 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 30-35 दिन का हम लोग आउटडोर मारे थे, जो जंगल के अंदर में, और जंगल के अंदर में हम लोग बहुत काफ़ी मेहनत किए, नाइट डे शूट करके हम लोग इस फिल्म को बनाया गया है, और जिसमें नीलकंठ गायकवाड़, मिस्टर संदीप जी, सब लोग बहुत अच्छे तरीके से इस फिल्म को मिलके बनाया है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस फिल्म को थिएटर तक जाएं और देखें, आपको लगेगा इस फिल्म में थोड़ा सा हॉरर है, थोड़ा सा रोमांटिक है, थोड़ा सा कॉमेडी है, लगेगा कि हम लोग अच्छा काम किए हैं, और आप थिएटर में जाएंगे, इसका आपको भरपूर आनंद मिलेगा, यस, भरपूर आनंद मिलेगा, और आप लोग बोलेंगे कि एक अच्छी चीज़ और कुछ नया चीज़ देखने के लिए मिला। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसे नहीं कि मैं काम किया इसलिए बनी, लेकिन बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, आप सब लोग आप थिएटर में जाके देखिए फिल्म। मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम टर्मिनेटर है, और टर्मिनेटर क्या कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर आपको थिएटर में देखना होगा, मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा, आप देखिए, बहुत ही बढ़िया फिल्म है, बहुत ही अच्छी बनी है। और निकल गायकवाड़ सर को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया, उनको उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, वेरी गुड। बोलो ना, फिल्म में राइटर ऑफ दिस मूवी सावधान, एक अद्भुत कहानी, ओके,
Basically, I am a producer, director, and founder president of All India Amitabh Bachchan Fans Club International, NGO. Previously, I was the director of this movie. Sir, but film ke baare mein bataiye. Film is like a horror film. Hai. दो चोर एक हवेली में आते हैं, खजाना चुराते हैं और राजा रानी को मार डालते हैं. राजा रानी भूत बनते हैं, आत्मा बन के उनका आत्मा बन के उनका बदला लेते. तो दिस इज द ऑल अबाउट द मूवी. आगे आप पर्दे पे देखिए. थैंक यू. ओके. मैंने 4-5 फिल्में की है, हिंदी मराठी. लेकिन ये जो मेरी फिल्म है ये बहुत ही अच्छी है और इसमें हॉरर जो होता है, हॉरर क्या होता है उसमें आपको नजर आएगा कि हॉरर नजर क्या है. ओके. थैंक यू.